फरहान अख्तर के लखनऊ सेंट्रल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने 2 दिनों में 4,86,00,000 की कमाई की थी। वहीं अब इस फिल्म के 3रे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि लखनऊ सेंट्रल ने 3रे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ इस फिल्म ने 3 दिनों में 7,86,00,000 का कारोबार कर लिया है। बात करें फिल्म के बजट की तो इस फिल्म के प्रोडक्शन पर 20 करोड़ और एडवर्टाइजिंग पर 10 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसके साथ फिल्म का ओवरऑल बजट 30 करोड़ है। रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बनी लखनऊ सेंट्रल को वर्ल्ड वाइड 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी एक किशन गिरहोत्रा नाम के एक लड़के की है जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है, जो मनोज तिवारी की तरह एक गायक बनना चाहता है। बता दें कि फरहान अख्तर की लखनऊ सेंट्रल असल घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म की कमाई में उछाल जरूर आया है, लेकिन कंगना की सिमरन के आगे फरहान की ये फिल्म कमाई के मामले में थोड़ी कमजोर ही पड़ रही है। पर अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। वैसे आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।